भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच भी कराएंगे और उस जमीन को बचाने का काम भी करेंगे। श्री मंजीत धर्मपाल, श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद नियम 50 पे बोलने का जो अवसर दिया। आज जो विषय है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिला है। ये जो इस इलाके में मतलब जो लोग बिना ना की भूमि पे या फिर कृषि भूमि पे अभी हाल ही में जो वन विभाग में जो लोग रह रहे हैं उनका तो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू है कि जो लोग कृषि भूमि पे अपना मकान बना के रह रहे हैं उन लोगों को अब तक आवासीय पट्टा नहीं मिला है। पिछली बार मैंने सदन में क्वेश्चन लगा के जो जानकारी प्राप्त की कि मेरी विधानसभा की बात करूं तो मेरे विधानसभा में 84,047 आदिवासी परिवार रह रहे हैं और इनमें से 1,832 लोगों के पास ही मकान का पट्टा है। यही स्थिति पूरे उदयपुर संभाग में है। इससे होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति सरकार का कोई लाभ लेना चाह रहा है या फिर लोन लेना चाह रहा है तो उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। और कभी भी इस इलाके में कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई सड़क लग रही है मतलब बन रही है या फिर कोई भी औद्योगिक बड़ा कारखाना खुल रहा है तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के पास मकान का पट्टा नहीं है तो उन लोगों को बिना मुआवजे से वहाँ से खाली करवा दिया जाता है। यही स्थिति नगर परिषद नगर पालिकाओं में भी है। वहाँ पर जो डूंगरपुर नगर परिषद है वहाँ जो पेराफेरी वाला इलाका आता है वहाँ लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर भी यही स्थिति बनी, उन लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिला है। और वही सेम स्थिति ग्रामीण इलाकों में है। तो आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि जो लोग कृषि भूमि में रह रहे हैं वो राजस्व विभाग हस्तक्षेप करके उनको सभी को आवासीय मकान का पट्टा दिया जाए और जो बिना ना की भूमि पर रह रहे हैं लंबे समय से उनको भी अपने मकान का पट्टा दिया जाए। धन्यवाद। मंजीत धर्मपाल चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी तो गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ है और मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस समस्या के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और इस विभाग के अधिकारियों से समय समय पर मिलता रहा हूँ। और तो और अभी बजट आने से कुछ दिन पूर्व भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में मिला और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आने वाले बजट के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस समस्या का समाधान निकाल कर वो कुछ ना कुछ मुझे देंगे।